हेलो गाइस, वेलकम टू एससी गेट पीसीयू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभी विद्या मैन एजुकेशन। ये जनरल एप्टीट्यूड सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। इसमें इस सीरीज में हम लोग गेट, इंजीनियरिंग सर्विस या किसी पब्लिक सेक्टर में आए हुए एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और जिस टॉपिक का क्वेश्चन रहता है उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करते हैं। आज हमने जो क्वेश्चन, ये टाइम एंड वर्क पे बेस्ड है और गेट 2019 में आया हुआ है मैकेनिकल ब्रांच में। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क दिया था, बहुत लोगों ने आंसर इसका करेक्ट निकाल कर कमेंट करके बताया था। और ये जो क्वेश्चन है इसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको क्लियर। अगर टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि टाइम एंड वर्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप करके नहीं जाना है। अगर आप गेट की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइम एंड वर्क आपको पढ़ के जाना चाहिए और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि हर साल 3 से 4 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पर बेस्ड होता है सारे ब्रांच को मिला दिया जाए तो क्या पता अगले साल आपके सेट में ही क्वेश्चन आ जाए। तो ध्यान देना है, टाइम एंड वर्क स्किप करके नहीं जाना है। और इस क्वेश्चन से भी हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, इस क्वेश्चन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है समझना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये जो टाइम वर्क पे निगेटिव वर्क पे बेस्ड है, ठीक है। तो निगेटिव वर्क पे कैसे वर्क करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले देखो, कोई भी क्वेश्चन अगर आप एप्टीट्यूड का पढ़ रहे हो तो सबसे पहले पढ़ो और देखो कि कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या डेटा उस क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको एक जगह लिखो और आपको कैसे अप्रोच करना है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। जब इतना आपको क्लियर होगा तो क्वेश्चन अपने आप आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। टू पाइप्स पी एंड क्यू कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर एंड 9 आवर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब कि दो पाइप हैं पी और क्यू। पी जो होता है उस टैंक को, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो सिंपल से बोलूँ तो पी एक पाइप है किसी टैंक को 6 आवर में फिल करता है, क्यू एक पाइप है उसी टैंक को 9 आवर में फिल करता है, ठीक है। वाइल ए थर्ड पाइप आर कैन इम्पटी द टैंक इन 12 आवर। तो जो थर्ड पाइप आर है जो टैंक को खाली कर देता है 12 आवर में, मतलब एक ही टैंक की बात हो रही है, एक ही टैंक है जिसको पी 6 आवर में फुल कर देता है, क्यू उसको 9 आवर में फिल कर देता है और आर उसको क्या करता है 12 आवर में इम्पटी कर देता है, ठीक है। तो अब बस इतना ही तीन डेटा दिया, आगे देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। इनिशियली पी एंड आर आर ओपन फॉर 4 आवर। शुरू में पी और आर को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है, 4 आवर के लिए। उसके बाद पी को क्लोज कर देते हैं एंड क्यू इज ओपन। उस 4 आवर के बाद क्या करते हैं, पी को क्लोज करते हैं और क्यू को क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, ठीक है। आफ्टर 6 मोर आवर आर इज क्लोज। उसके बाद 6 आवर के बाद आर को क्लोज कर देते हैं। द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक इन आवर इज, तो टोटल टाइम कितना लगेगा टैंक को फिल करने में। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको एकदम ध्यान से एक एक चीज़ को समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो डेटा दिया है मैं लिखता हूँ। पाइप पी दिया है कितना देर में फिल करता है, 6 आवर में। एकदम ध्यान से आप समझेंगे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्यू कितने देर में करता है, 9 आवर में करता है, ठीक है। आर कितने देर में करता है, 12 आवर में करता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि पी जो है फिल करता है, तो मतलब इसको अपर एरो से दिखा देता हूँ। क्यू क्या कर रहा है, फिल कर रहा है तो अपर एरो से, और आर क्या है उसको इम्पटी कर रहा है, मतलब इसको डाउनवर्ड एरो से दिखा रहा हूँ, मतलब ये निगेटिव वर्क कर रहा है, ठीक है। अब मैं जो मेथड बता रहा हूँ एलसीएम मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम मेथड में क्या बोलते हैं कि जो भी आवर्स दिए होते हैं उनका सबका एलसीएम लेते हैं। तो 6 और 9 और 12 का जब एलसीएम लेंगे तो ये 36 आएगा, ठीक है। तो 36 हमने लिख लिया। 36 होता क्या है, तो ये टोटल यूनिट मानते हैं, वर्क टोटल वर्क टोटल वर्क टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क हम 36 मानते हैं। यहाँ पे टोटल वर्क को क्या मानेंगे, मान सकते हो आप, अगर दूसरे लैंग्वेज बोलूँ तो 36 लीटर का टैंक है। कितने लीटर का टैंक है, 36 लीटर का टैंक है, आप ऐसे मान सकते हो। जो टैंक है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 36 लीटर है, ठीक है। अब जब वो 36 लीटर की है और 6 आवर में उसको पीक फिल कर दे रहा है, मतलब वो एक घंटे में कितना भर रहा होगा, तो 6 लीटर भर रहा होगा, ठीक है। 6 लीटर भर रहा होगा तभी तो 6 आवर लगेंगे उसको 36 लीटर भरने में। अब 9 की बात करते हैं, क्यू, तो क्यू जो है 9 आवर में 36 लीटर भर रहा है, तो कितना लीटर पर लीटर भर रहा होगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 लीटर, ठीक है। ये 12 आवर में खाली कर रहा है, तो 36 को 12 आवर लग रहे हैं, 12 आवर लग रहे 36 लीटर खाली करने में, तो एक घंटे में कितना कर रहा होगा, तो 3 लीटर क्या कर रहा होगा, खाली कर रहा होगा। तो ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, ठीक है। इनकी कैपेसिटी आ गई लीटर पर आवर के हिसाब से आ जाएगी, ठीक है। हमने क्या किया, 36 लीटर माना, यहाँ पे यूनिट होता है तो यहाँ पे यूनिट आता है, ठीक है, लेकिन हमने मान लिया कि 36 लीटर का है, तो ये टोटल हो गया। अब
अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पी एंड आर आर ओपन फॉर पी 4 आवर। पी और आर को एक साथ ओपन करते हैं कितने देर के लिए? 4 आवर के लिए। तो पी एंड आर को देखते हैं, तो पी प्लस आर, तो पी प्लस आर का पी पी और पी की कैपेसिटी कितनी है? 6 लीटर। और आर की कितनी है? 3 लीटर उसको इम्पटी करने का। तो पी की कैपेसिटी को +6 लिखेंगे और आर की कैपेसिटी को -3। ठीक है, यानी कि टोटल जो हो जाएगा 3 लीटर पर आवर ये दोनों मिलके फिल करेंगे, क्योंकि ये फिल कर रहा है और आर क्या कर रहा है? इम्पटी कर रहा है। आफ्टर आफ्टर 4 ईयर क्या 4 आवर क्या हो जाएगा? 4 आवर। 4 आवर के बाद कितना हो जाएगा? तो 1 लीटर में 3 आवर भर रहे हैं, तो 4 आवर के बाद कितना हो जाएगा? 12 लीटर क्या हो जाएगा? वो टैंक फिल हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर 4 आवर। 4 आवर के बाद क्या किया गया है? पी को क्लोज कर दिया गया है, पी को क्लोज कर दिया गया है। अब पी को क्लोज करके क्यू को ओपन कर दिया क्या गया है, और आर के बारे में कुछ नहीं बोला गया, मतलब कि आर पहले भी ओपन था, अभी भी ओपन है। ठीक है, और पी के जगह पे क्या हो जा रहा है? क्यू ओपन हो जा रहा है। तो क्यू ओपन हो जा रहा है, क्यू क्या है? पॉजिटिव वर्क कर रहा है। आप इनको कैपेसिटी देखते हैं, तो क्यू की कैपेसिटी कितनी है? 4 लीटर। तो ये 4 लीटर 1 घंटे में क्या करेगा? फिल करेगा। और आर क्या करेगा? 3 लीटर 1 घंटे में खाली करेगा। तो यानी कि 3 कर लेंगे, -3। ठीक है, अब इन दोनों का सम कितना जाएगा? 1 लीटर पर आवर, यानी कि दोनों मिलकर 1 लीटर पर आवर फिल करेंगे। और क्या हो रहा है कि 6 आवर ये दोनों चल रहे हैं, क्योंकि आफ्टर 6 मोर आवर आर को क्लोज किया जा रहा है। तो जब ये 6 आवर चलेंगे, तो आफ्टर 6 आवर कितना हो जाएगा? आफ्टर 6 आवर 1 घंटे में वो 1 लीटर भर रहे हैं, तो 6 घंटे में कितने भरेंगे? 6 लीटर। तो 6 लीटर ये फिल करेंगे। और अब 6 आवर के बाद क्या करेंगे? आर को क्लोज किया गया था, 6 आवर के बाद आर क्लोज हो गया, तो बचा कौन? तो क्यू अभी भी ओपन होगा, तो क्यू चल रहा है। और क्यू की कैपेसिटी कितना है? 4 लीटर पर आवर। ठीक है, अब टैंक की कैपेसिटी का हम लोग क्या माने? 36, जिसमें से ये 12 आवर पहले भर चुका है, ये 6 लीटर पहले भर चुका है। ठीक है, तो 12 और 6 कितना होता है? 18 लीटर पहले भर चुका है, और टोटल कैपेसिटी कितना है? 36 लीटर। तो अभी कितना भरना है? ठीक है, तो 18 लीटर और क्या करना है आपको? भरना है अभी 18 लीटर जो इम्पटी है, जो टैंक, मतलब कि हाफ टैंक क्या हो? खाली है। तो हाफ टैंक को कौन भरेगा? क्यू भरेगा। तो 18 लीटर को भरने में उसको कितना टाइम लग जाएगा? तो 18 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, क्योंकि 18 लीटर भरना है और 1 घंटे में कितना का भर रहा है? 4। तो इसकी जो होगी, ये जो हो जाएगा 4.5 आवर लग जाएंगे इसको फिल करने में। और ठीक है, 4.5 आवर और लग जाएंगे। पूछा गया कि टोटल टाइम फिल करने में कितना टाइम लग रहा है? अब टाइम क्या हो गया? टोटल फुल हो गया। तो पहले ये 4 आवर चला है, पहले यहाँ से 4 आवर चला है, ठीक है, यहाँ से 6 आवर चला है, अब ये 4.5 आवर चला है। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा टैंक को फिल करने में? तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? पहले 4 आवर, फिर 6 आवर, फिर 4.5 आवर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 और 10 14.5 आवर्स। तो टोटल टैंक को फिल करने में 14.5 आवर आंसर आपका हो जाएगा। और ये आंसर आपका कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिन लोगों को समझ नहीं आएगा आपका कॉन्सेप्ट, एक बार मैं क्लियर कर लो, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन 100% ये 5 स्टार टॉपिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये 5 स्टार क्वेश्चन है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन में मैं एक बार फिर से शुरू से समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझेंगे। पी इस एक टैंक है जिसको पी क्यू फिल कर रहे हैं और आर उसको क्या कर रहा है? इम्पटी कर रहा है। तीनों की कैपेसिटी अलग अलग दी हुई है। पी उसको 6 आवर में फिल कर रहा है, क्यू उसको 9 आवर में फिल कर रहा है, आर उसको क्या कर रहा है? 12 आवर में क्या कर रहा है? उसको इम्पटी कर दे रहा है। जब एलसीएम मेथड लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? इन तीनों नंबर का एलसीएम लेते हैं। तो 3, 6, 9 और 12 का एलसीएम क्या आएगा? 36 आ जाएगा। अभी जो एलसीएम आता होता क्या है? तो एलसीएम जो होता है टोटल वर्क हम मानते हैं, तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब वर्क जो है इन केस में, टैंक के केस में वर्क क्या है? टैंक की कैपेसिटी। तो मान लेते हैं कि टैंक की कैपेसिटी क्या है? 36 लीटर है, क्योंकि एलसीएम 36 आ रहा था, तो 36 लीटर का वो टैंक है। ठीक है, अब क्या है कि 36 लीटर का टैंक है और पी जो ले रहा है 6 आवर ले रहा है, तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे में कितना, 1 आवर में कितना फिल करो पता चल जाएगा। तो 6 से डिवाइड किए तो यहाँ पर 6 आ गया, 6 लीटर पर आवर इसकी कैपेसिटी है। तो 6 लीटर पर आवर कैपेसिटी का मतलब ये हो गया कि 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 लीटर वो फिल कर देगा। दूसरे की कैपेसिटी कितनी है? 9 आवर में फिल कर रहा है, तो और टोटल 36 भरना है, तो कितने आवर चलाना पड़ेगा उसको? तो 36 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो 4 लीटर पर आवर। अगर वो 4 आवर चलता है तो 36 लीटर वो क्या करेगा? फिल कर देगा अकेले, एलोन। आर क्या कर रहा है? उसको 12 आवर में क्या कर रहा है? इम्पटी कर रहा है। 12 आवर में इम्पटी करने का मतलब ये हो गया कि उसको
ट्वेल्व आवर में इम्पिटिक मतलब 12 आवर में 36 लीटर क्या करेगा वो, खाली कर देगा। तो 1 घंटे में कितना खाली कर रहा होगा, तो 36 से 12 को डिवाइड कर देंगे तो 3 लीटर पर आवर। तो इन दोनों को पॉजिटिव लिखा हूँ क्योंकि पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं और ये खाली कर रहे थे, इसको निगेटिव वर्क किए हैं। ये जो आया हुआ है ये जो है कैपेसिटी है, इफिशियंसी है इनकी, तीनों पाइप की इफिशियंसी आ गई। पहले पाइप की इफिशियंसी आ गई 6 लीटर पर आवर, दूसरे की आ गई 4 लीटर पर आवर, तीसरे की आ गई 3 लीटर पर आवर, माइनस में इसकी आ रही है। और टोटल टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 36 लीटर है। तो ये जो कैपेसिटी है इसके अकॉर्डिंग आया है, ठीक है। अब ध्यान देना है आगे क्या बोला गया है, पी एंड आर ओपन फॉर 4 आवर। तो पी और आर को ओपन कर रहे हैं, तो पी की कैपेसिटी कितनी है, 6 लीटर पर आवर, ठीक है, प्लस का वर्क कर रहा है। आर क्या कर रहा है, निगेटिव वर्क। तो पी और आर को ओपन करेंगे तो पी 1 घंटे में 6 लीटर भरेगा और आर कितना करेगा, 3 लीटर खाली करेगा। तो +6 -3 मतलब ये दोनों एक साथ चलेंगे तो 1 घंटे में 3 लीटर वो भर पाएंगे टैंक को। अब ये 4 घंटे दोनों एक साथ चलते हैं तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 लीटर क्या करेंगे टैंक में फिल कर देंगे ये दोनों मिल के। 4 घंटे बाद क्या किया गया है, पी को क्लोज किया गया है, तो पी को क्लोज कर दिए, ठीक है। तो अभी आर के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब आर ओपन रहा होगा तो आर तो लिख लिए। उसके बाद क्यू को ओपन किया गया तो क्यू को लिख लिया। क्यू पॉजिटिव वर्कर है, आर निगेटिव वर्कर है, तो क्यू 1 घंटे में 4 लीटर भर रहा है और आर 1 घंटे में 3 लीटर खाली कर रहा है। तो 4 -3 करेंगे तो 1 लीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। आप उसके बाद क्या बोला गया, इन दोनों को 6 घंटे छोड़ दिया गया, तो 6 घंटे जब छोड़ेंगे तो 6 लीटर ये दोनों मिलकर फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आर को क्लोज किया गया है, उसके बाद आर को क्लोज करेंगे तो बचेगा कौन, क्यू अकेले बचेगा। तो क्यू अभी भी चल रहा है और क्यू की कैपेसिटी कितनी है, 4 लीटर पर आवर। तो टैंक को 12 आवर पहले से फिल है, फिर 6 लीटर फिर फिल हो गया, तो टोटल 18 लीटर फिल हो गया। और टोटल कैपेसिटी कितना माने, 36। तो 36 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 लीटर अभी भी टैंक खाली है, मतलब हाफ टैंक अभी भरा हुआ है 10 घंटे में, ठीक है। तो 10 आवर में केवल हाफ टैंक भरा हुआ है, यानी कि हाफ टैंक को और कौन भरेगा, क्यू अकेले भरेगा। तो टोटल 4 लीटर पर आवर भर रहा है, तो 18 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 18/4 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4.5 आवर, और उसको नेक्स्ट 4.5 आवर लगेगा। मतलब पूछा गया आपसे क्वेश्चन में कि टोटल टाइम कितना लग रहा है टैंक को फिल करने में, तो पहले ये 4 आवर चले पी और आर, फिर क्यू और आर 6 आवर चले, और लास्ट में क्यू के लिए कितना चला, 4.5। इन तीनों का सम करेंगे तो 14.5 आवर आ जाएगा, और ये करेक्ट आंसर क्या है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने का 100% चांस है, आई थिंक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन होमवर्क है आप लोगों का, ये नंबर सिस्टम पर बेस्ड है और बहुत इजी क्वेश्चन है। ये गेट 2019 मैकेनिकल ब्रांच में आया हुआ था, ये सब लोग को सॉल्व करना है और आंसर कमेंट करके बताना है। बहुत लोग आंसर कमेंट करके नहीं बताते हैं, जब तक आप खुद से क्वेश्चन को ट्राई नहीं करोगे कोई भी आपको सिखा नहीं सकता है। जब आप खुद से ट्राई करोगे कोई सिखाएगा तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर और अच्छे से होगा। अगर आप अभी तक हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े तो फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन का डिस्कशन होता हो सकता है और कुछ पीडीएफ मटेरियल भी आपको मिल सकता है। और टेलीग्राम पे हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।